क्या आपको मालूम है कि जहन्नुम में ले जाने वाला 12वां अमल कौन सा है? और क्या आप ये जानते हैं कि नमाज का छोड़ना अल्लाह ताला के नज़दीक कैसा अमल है? और बेनमाजी के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने क्या अहकाम बयान किए हैं? इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, फहलफा मिन बादिहिम हलफा दाउस्सलात वत्तबाउ शहावात फसौफा यलकाउना गैया। इस आयत की तशरीह में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसमें नमाज ज़ाया करने के मायने ये नहीं कि बिल्कुल ही पढ़ते ना थे, बल्कि वो तहीर कर देते थे, वक्त को टाल कर पढ़ते थे। इस तरह इमाम ताबईन हज़रत सईद बिन खुबैर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जोहर की नमाज असर के वक्त और असर की नमाज मगरिब आने तक और मगरिब को इशा तक और इशा को फजर तक ना पढ़े। अगर इसी हाल में मर गया और तौबा ना की तो इसको अल्लाह के इस फरमान के मुताबिक वादिये गये में फेंक दिया जाएगा। गये एक वादी है दोजक में जो बहुत गहरी और बहुत बुरी जगह है। एक जगह अल्लाह फरमाते हैं, फवाइलुल मुसल्लीन, हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए जो नमाज से बेहबर हैं। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग अपनी नमाजों से बेखबर हैं इसे कौन लोग मुराद हैं? आपने फरमाया, जो नमाज के औकात में तहीर करने वाले हैं। वो नाम के तो नमाजी हैं मगर इस सुस्ती की वजह से इनके लिए वेल और अजाब सख्त है। और बास हजरात ने वेल की तफसीर ये भी की है कि वेल जहन्नुम की एक वादी है, अगर दुनिया के सारे पहाड़ भी इसमें डाले जाएं तो वो सारे पिघल जाएंगे, वो इस कदर सख्त और गर्म है। ये तो ऐसे लोगों का ठिकाना है, हाँ अगर तौबा कर ली और दुनिया के अंदर ही नादिम हो गए तो और बात है। एक जगह इरशाद रुबानी है, ईमान वालो तुमको तुम्हारे मालो उलाद और तजारत गाफिल ना कर दें अल्लाह की याद से, जिस शख्स ने ये काम किया तो ये लोग खसारे में होंगे। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि इस आयत में जिक्र अल्लाह से 5 वक्ती नमाजें मुराद हैं, लिहाजा जो शख्स माल और औलाद तजारत की वजह से ताहीर कर देगा, सुस्ती करेगा तो हसारे में पड़ेगा। गोया ये आयत भी नमाज में सुस्ती करने वालों के लिए बतौर वईद के काफी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, अगर नमाज नाकिस होगी तो वो हसारे में होगा। इरशाद बारी ताला है, जब दोस्तों से सवाल किया जाएगा, मा सला का कुम्फिस सकर, तुम्हें दोजक में किस चीज ने पहुंचाया, तो वो भी जवाब देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे और मसखरे किया करते थे। असल बात ये है कि हमें कयामत के दिन का यकीन ही नहीं था कि एक दिन हिसाब वाला भी है, जब आ गया तो अब क्या किसी की सिफारिश काम आएगी। हदीसे पाक में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान और काफिर का फर्क नमाज की वजह से ही है, जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ा तो वो काफिर हो गया, यानी काफिरों वाला फेल किया, ना कि हकीकतन क्योंकि कलमा गो है। एक जगह इरशाद है, बुखारी शरीफ की रवायत है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उससे अल्लाह ताला बरी है। फिर फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि मैं लड़ाई करूं लोगों से हत्ता के कलमा तैयबा की गवाही दें और नमाज कायम करें और जकात दें, ऐसी सूरत में इनका माल जान महफूज हो जाएगा, मगर हक के साथ
बाकी हिसाब इनका अल्लाह पर है। यानी जाहिर पर एतबार किया जाएगा, इनके जाहिरी कलमा की बरकत से इनका मालो जान महफूज है। एक हदीस में इरशादे नबी है, जो शख्स नमाज का एहतमाम करे तो नमाज इसके लिए कयामत के दिन नूर होगी, हिसाब पेश करने के वक्त हुज्जत होगी और निजात का सबब होगी। और जो शख्स नमाज का एहतमाम ना करे, इसके लिए ना तो नूर होगा, ना हुज्जत होगी, ना निजात का कोई जरिया, बल्कि इसका हशर फिरौन, हमान, अबी बिन हल्फ के साथ होगा और करून के साथ होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, ऐसे शख्स का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं जो नमाज ना पढ़े। और बाज़ उलमा ने कहा कि तारिकु सलात का इनके साथ हशर हो, नेकी वजह ये है कि फिरौन मुल्क की वजह से गाफिल था। और यहां भी यही वजह है, अगर हमान के साथ हशर है तो इसकी वजारत की वजह से और कारून से माल की निस्बत से, और अबी बिन हल्फ मक्के का मशहूर ताजिर था, इसके साथ निस्बत तिजारत की वजह से है, वो भी ताजिर होकर खुदा से गाफिल था। और ये भी इमाम हम्बर रहमतुल्लाह अलैह ने मौज़ बिन जबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ दे, इससे अल्लाह ताला बरी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत है कि एक आदमी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदमत में आया और सवाल किया कि इस्लाम में बेहतरीन अमल कौन सा है। अल्लाह ताला के नज़दीक फरमाया, नमाज को अपने औकात पर पढ़ना, और जिसने नमाज को तर्क कर दिया तो उसके दीन का कोई एतबार नहीं, क्योंकि नमाज दीन का सतून है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आखिरी वक्त जब बरचा मारा गया तो अक्सर औकात गफलत तारी रहती थी, मगर नमाज के औकात में जगा दिया जाता था तो फरमाते थे, हाँ हाँ, जो शख्स नमाज को जाया कर दे, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। तो हजरत जख्मों से चूर थे, खून बहता था, मगर नमाज अदा फरमाते थे। हजरत उबैदिल्लाह बिन शफीक जो ताबई हैं, फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो तर्क नमाज को कुफर जानते थे। हजरत अली मुर्तजा से एक औरत ने तारिक सलात के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया, तारिक नमाज काफिर है। इस तरह इब्ने मासूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, तारिक नमाज बेदीन है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, एक नमाज को जानकर छोड़ने वाला पर कयामत के दिन अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। मेरे मोहतरम नाजरीन, हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सच्चा और पक्का नमाजी बना दे, आमीन। और अगर आप ऐसे बहुत से इस्लामी वाक़या सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।